कॉन्सेप्ट क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। कॉन्सेप्ट क्लासेस की तरफ से जीके तथा करंट अफेयर पर आधारित ये तीसरी सीरीज होगी, तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? तो उत्तर होगा मंडी, यानी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन में जो पहला जिला जो स्थान पर रहा वो मंडी जिला रहा। अब इस प्रश्न के तहत आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या है तथा मंडी जिला कहाँ पे है। तो आइए शुरुआत करते हैं, व्याख्या करते हैं इस क्वेश्चन की। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारत सरकार ने 25 दिसंबर 2000 को सन 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में 500 या इससे अधिक आबादी वाले, अब ब्रैकेट में देखिए, पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 लोगों की आबादी वाले गांव, सड़क संपर्क से वंचित गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना था, ठीक है ना। देखिए, जो भी गांव होंगे जिनकी आबादी 500 या उससे अधिक है तथा पहाड़ी इलाकों के जो गांव जिनकी आबादी 250 है तथा रेगिस्तान इलाकों के, है ना, और वो भी गांव जिनमें अभी तक सड़कें नहीं गई हैं, उन सड़कों को ऐसे सड़क से जोड़ना जो कि 12 महीने काम में आए, ऑल वेदर सड़कें हों, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बाढ़ का महीना हो तो बाढ़ में सड़क ही बह जाए, या बरसात के सीज़न में गांव वाले सड़क का इस्तेमाल ना कर पाएँ, बरसात के सीज़न में गांव वाले कट ऑफ हो जाएँ शहर से या अन्य सुविधाओं से, ठीक है। अब पहाड़ी इलाकों में क्या होगा कि जब बर्फबारी होती है तो सड़क ही पता चले धस जाती है या सड़क जैम हो जाती है तो ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है। तो ऐसा सड़क बनाना था उद्देश्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का, जिसमें सारे के सारे गांव ऑल वेदर रोड से कनेक्टेड हों। अब देखिए, जो ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, ये जो योजना है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है ना। इसको प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लॉन्च किया था, इंट्रोड्यूस किया था सन 2000 में। अब देखिए, आपको बता देना चाहते हैं कि स्कीम क्या होता है, योजना क्या होती है। तो बेसिकली योजनाएँ दो तरीके की होती हैं, ठीक। पहली होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है और दूसरी होती है सेंट्रली सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, ठीक ना। जो पहली जो स्कीम होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, इसमें क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तथा स्टेट गवर्नमेंट दोनों फंडिंग करती हैं, डिपेंड ऑन द स्टेट। देखिए, राज्यों के आधार पे निर्भर होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कितना फंड करेगी तथा स्टेट गवर्नमेंट कितना होगी। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान होंगे तो इनमें क्या होता है, जनरली 60-40 का रेशियो चलता है, 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी तथा 40% स्टेट गवर्नमेंट देगी। यदि यही कोई पहाड़ी राज्य हो जाए तो पहाड़ी राज्यों में ये रेशियो 90:10 का हो जाता है, यानी कि 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी तथा 10% स्टेट गवर्नमेंट देगी। और दूसरी जो स्कीम होती है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब कि जो भी फंडिंग होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, 100% जो फंडिंग होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, इस स्पॉन्सर्ड से याद रखिएगा। जैसा कि आप कभी भी कोई प्रोग्राम होता है या कपिल शर्मा का ही शो देखा होगा तो उसमें बोला जाता है कि दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय फेयर एंड लवली, तो फिर अमूल घी, ऐसा, यानी कि कई सारे स्पॉन्सर्ड का नाम लेता है। यानी कि कोई भी जब प्रोग्राम करवाया जाता है तो उसमें 1, 2, 3, 4, 5 मतलब एक से ज़्यादा ही स्पॉन्सरशिप कंपनियों द्वारा दिया गया होता है। यानी कि यहाँ पे स्पॉन्सर में दो आएंगे, ठीक है ना, जहाँ भी स्पॉन्सर्ड आ गया वो दो आएंगे, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी आएगा और स्टेट गवर्नमेंट भी आएगा, है ना। और जब भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम आएगा तो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब मंडी कहाँ है? तो मंडी जो आपका ज़िला है वो हिमाचल प्रदेश में है। आइए इसको मैप में देखते हैं। तो हमारा हिमाचल प्रदेश ये रहा, है ना। आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश किन किन राज्यों से टच में आता है। हिमाचल प्रदेश आपका आपके जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख दोनों यूनियन टेरिटरी हैं। तीसरा आपका है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड। और जो चाइना का जो तिब्बतियन रीजन है उससे भी इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है हिमाचल प्रदेश।
अब देखिए हिमाचल प्रदेश में जो मंडी जिला है, मंडी जिला आपका ये रहा, जो मंडी जिला की लोकेशन है वो सेंट्रल वेस्ट रीजन में है, यानी कि मध्य पश्चिम भाग में है ये मंडी जिला, इसको ध्यान रखिएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नाटो ने हाल ही में किस देश में अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की? तो था इसका उत्तर हो जाएगा जर्मनी, है ना। अब आपको इस क्वेश्चन में मालूम होना चाहिए नाटो क्या है तथा जर्मनी कहाँ पे है। तो चलिए आते हैं नाटो। नाटो का जो फुल फॉर्म होता है वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसको हिंदी में कहते हैं उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। देखिए आप कोशिश करिएगा कि आप इंग्लिश में जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो भी संस्थाएं हैं उनका नाम आप इंग्लिश में भी याद रखें, कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि आप हिंदी में ही जानें। इंग्लिश में जानने का ये फ़ायदा होगा कि बहुत सारे जो डिटेल्स होंगे या डेटा होंगे आपको इंग्लिश में अवेलेबल हैं ऑनलाइन या किसी भी बुक्स में, है ना। तो बेसिकली हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि हमें डेटा मिल जाए पढ़ने के लिए, या मतलब कि एग्जामिनेशन में हमें आसानी से कोई भी कंटेंट मिल जाए, तो इंग्लिश में कंटेंट ईजिली अवेलेबल है। ऐसा ये माइंड में टैबू मत रखिएगा कि हाँ मुझे हिंदी में ही, मातृभाषा है तो मुझे हिंदी में ही सीखना है। हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, ठीक है ना। हमें कोई पॉलिटिकल डिबेट या किसी डिबेट में नहीं जाना है कि हम हिंदी के हैं तो हिंदी ही सीखेंगे, ठीक। देखिए अब आते हैं नाटो के बारे में। इट इज़ ए इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस बिटवीन 30 नॉर्थ अमेरिकन एंड द यूरोपियन कंट्रीज। देखिए अब क्या है कि मिलिट्री अलायंस है नाटो, ठीक। अब देखिए क्या है, अभी तक आपने सुना होगा कि किसी भी देश की, किसी एक सिंगल देश की मिलिट्री के बारे में सुना होगा कि इंडिया की मिलिट्री है, पाकिस्तान की मिलिट्री है, चाइना की मिलिट्री है, लेकिन जो नाटो है, नाटो 30 देशों का, 30 देश आपस में मिल के एक संगठन बना के मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं, ठीक है ना। वो जो देश है नॉर्थ अमेरिका तथा यूरोपियन कॉन्टिनेंट के देश हैं, है ना। द ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी वॉज साइन ऑन द 4 अप्रैल 1949, ठीक। अब देखिए कोई भी जब ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कोई ना कोई ट्रीटी होती है या देशों की बैठक होती है, ठीक। उस बैठक में निर्णय लिया जाता है, कानून बनाए जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर बनाया जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन इस लॉ के अनुसार काम करेगा, इस प्रिंसिपल पे काम करेगा। तो ये लाइन वही लिखी गई है, द ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट्स द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी दैट वॉज साइंड ऑन 4 अप्रैल 1949, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए इसमें जो 30 मेंबर स्टेट हैं, पहला अल्बेनिया है, दूसरा है बेल्जियम है, बुल्गारिया है, कनाडा है, कनाडा आपका नॉर्थ अमेरिकन नेशन हो गया, दूसरा क्रोएशिया है, दिस इज़ यूरोपियन, सेज रिपब्लिक है यूरोपियन, डेनमार्क इज़ द यूरोपियन, एस्टोनिया इज़ द यूरोपियन, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लतविया, दीज ऑल आर यूरोपियन नेशन, ओके। एंड द लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मोंटेनिग्रो, नीदरलैंड, नॉर्थ मैसिडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, टर्की, ठीक। ये जितने हैं आपके यूरोपियन नेशंस हैं, ठीक। और उसके बाद से यूनाइटेड किंगडम, दिस इज ऑल्सो यूरोपियन, एंड द यूनाइटेड स्टेट्स इज द नॉर्थ अमेरिकन नेशन, ओके। आपने इसमें देखा होगा कि दो ही केवल नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं, बाकी सारे के सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं, ठीक। अब इसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है कि नाटो का मेंबर कौन है, तो क्वेश्चन में कई सारे ऑप्शन दे दिए, दो ऑप्शन दे दिए आपका अफ्रीका से, अफ्रीका की कोई कंट्री उठा के दे दिया कि साउथ अफ्रीका है, फिर आपको अल्जीरिया है, इथोपिया है, है ना, ऐसा तीन एग्जांपल दे दिया, एक कंट्री का ऑप्शन दिया आपका यूरोपियन नेशन से, समझिए कि नीदरलैंड दे दिया। तो आपको आसानी से मालूम होगा, यदि ये मालूम होगा कि नाटो के जो मेंबर्स हैं वो नॉर्थ अमेरिका तथा यूरोपियन कॉन्टिनेंट के नेशन, तो आप आसानी से बता सकते हैं इसका आंसर, ठीक। आइए अब बताते हैं कि जर्मनी रमेस्टीन कहाँ है। देखिए वो जो नाटो का जो स्पेस एजेंसी जो
बिठाने का, स्पेस सेंटर बिठाने का जो नाटो ने निर्णय लिया था वो जर्मनी के रेमस्टीन में लिया था। अब जर्मनी कहाँ है और रेमस्टीन कहाँ है, ये अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अब देखिए ये हमारा वर्ल्ड का मैप है, तो वर्ल्ड के मैप में आप देख सकते हैं ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट है इतना, ठीक, आधा इसमें रसिया भी आएगा। तो ये जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है ये जर्मनी है, ठीक, जर्मनी है, नीदरलैंड है, ठीक, ये है नॉर्थ सी है, दिस इज फ्रांस, दिस इज स्पेन। तो आइए अब जर्मनी का हम मैप देखते हैं। तो ये रहा जर्मनी, देखिए जर्मनी रहा, जर्मनी का रेमेस्टीन यहाँ पे है, ठीक है ना। तो यही रेमेस्टीन है जहाँ पे नाटो ने अपना स्पेस एजेंसी बैठाने का निर्णय लिया है। जो ये रेमेस्टीन है, रेमेस्टीन में यूएस एयरफोर्स का बेस है, ठीक है ना, यूएस एयरफोर्स का वो बेस है जहाँ से यूएस यूरोपियन तथा अफ्रीकन नेशन में ऑपरेट करता है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए जर्मनी का मैप देख के कि जर्मनी के नॉर्थ में कौन सा कंट्री है, जर्मनी के साउथ में कौन सा है, जर्मनी के ईस्ट में कौन सा है। तो अब देखिए जर्मनी के आपके वेस्ट में दिखेगा लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड एंड दिस इज़ द नॉर्थ सी। एंड फिर उसके बाद से आप जर्मनी के ईस्ट में आते हैं तो पोलैंड है, सेज रिपब्लिक है, ऑस्ट्रिया है। एंड यदि आप साउथ में आते हैं तो स्विट्जरलैंड है, दिस इज द फ्रांस। ओके, अजय रेमेस्टीन के बारे में देखते हैं। इट इज सर्व्ड एज हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स इन यूरोप, एयरफोर्स अफ्रीका, ठीक है ना। यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट के एयरफोर्स है, एयरफोर्स के जो यूरोप और अफ्रीका में जो ऑपरेशंस होते हैं वो यूनाइटेड स्टेट यहीं से करता है, रेमेस्टीन से। एंड ऑल्सो फॉर नाटो अलाइड एयर कमांड, मतलब कि नाटो का जो एयर कमांड है वो भी रेमेस्टीन में ही है। चलिए ये जो खबर आई थी न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर की कटिंग है, नाटो प्लान्स न्यू स्पेस सेंटर इन द रेमेस्टीन जर्मनी, ठीक है ना। अब देखिए जो खबर आई थी, नाटो मेंबर स्टेट्स आर सेट टू अनाउंस द क्रिएशन ऑफ ए स्पेस सेंटर इन द एयरफोर्स हाई कमांड बेस इन द रेमेस्टीन जर्मनी। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट इट वुड मॉनिटर एंड इन टाइम लाइकली प्रोटेक्ट फ्रेंडली सैटेलाइट्स, मतलब कि जो ये आपके जो स्पेस सेंटर होगा, स्पेस सेंटर से जितने भी नाटो मेंबर्स की जो कंट्री स्टेट है, इन मेंबर्स की जो सैटेलाइट्स हैं, जो स्पेस में सैटेलाइट्स हैं, उन सैटेलाइट्स की ये सिक्योरिटी को देखेगा, ठीक है ना, इनको प्रोटेक्ट करेगा एनिमी कंट्री से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार, दिस सरकार ने हाल ही में सुनंदा सम्मान की घोषणा की है। तो जो राज्य सरकार है वो उड़ीसा है, जो आंसर होगा उड़ीसा होगा। अब भाई हमको मालूम होना चाहिए कि सुनंदा सम्मान क्या है तथा किस राज्य सरकार ने किया है, ठीक। तो देखिए अभी तो आपको मालूम चला कि उड़ीसा ने किया है तथा सुनंदा सम्मान क्या है। सुनंदा सम्मान देखिए, द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा रीनेम द क्लासिकल म्यूजिक अवार्ड कन्फर्ड बाई उड़ीसा संगीत नाटक अकेडमी ऑन इमिनेंट पर्सनैलिटी ऑफ क्लासिकल म्यूजिक एवरी ईयर। देखिए अब जो क्या है, सुनंदा सम्मान कोई नया सम्मान नहीं है, ठीक। ये जो क्लासिकल म्यूजिक अवार्ड जो दिया जाता था, जो आपके बेस्ट म्यूजिशियन होते थे या क्लासिकल म्यूजिक के जो पर्सनालिटीज़ होती थी, उसी का नाम चेंज करके सुनंदा सम्मान कर दिया गया है। इसको ओडिशा संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा दिया जाता था, ठीक है ना। आइए मैप में देख लेते हैं उड़ीसा कहाँ है। तो उड़ीसा आपका ये रहा, आपको मालूम होना चाहिए कि उड़ीसा कितने स्टेट से टच करता है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड द वेस्ट बंगाल एंड हियर इज द बे ऑफ बंगाल। उड़ीसा इज द कोस्टल स्टेट, ठीक है ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में आईएलओ गवर्निंग बॉडी की चेयरमैनशिप भारत को कितने साल बाद मिली, ठीक। तो आईएलओ गवर्निंग बॉडी की चेयरमैनशिप भारत को 35 साल बाद मिली। अब आपको इस क्वेश्चन में मालूम होना चाहिए कि आईएलओ क्या है, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं आईएलओ क्या है। तो आईएलओ का जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज ए यूनाइटेड नेशंस एजेंसी हुज मैंडेट इज टू एडवांस सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस थ्रू सेटिंग इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स। देखिए अब क्या है, जो आईएलओ है, आईएलओ यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, मतलब संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, जिसका काम होता है कि बेस्ट वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना, बेस्ट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी देना तथा किसी का शोषण न हो ये भी देखना वर्किंग में, ठीक है ना।
देखो जो आईएलओ था, आईएलओ का फाउंडेशन 1919 में रखा गया था लीग ऑफ नेशंस के थ्रू। देखिए जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1918 तक चला था, तो 1919 में सारे देशों ने एक समझौता किया कि अब हमारे बीच जो भी डिस्प्यूट्स होगा, डिस्प्यूट्स हम लड़ के आपस में लड़ाई करके नहीं सॉल्व करेंगे। हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन की उन्होंने नींव रखी सारे देशों ने मिल के कि हम जो भी डिस्प्यूट्स होगा हमारे बीच हम इस लीग ऑफ नेशंस के थ्रू, जो जो जिस ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी उसको लीग ऑफ नेशंस कहते हैं, तो लीग ऑफ नेशन के थ्रू अब हम अपना झगड़ा शांत करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि लीग ऑफ नेशन उतना अच्छे से काम नहीं कर पाया, ठीक, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिर से यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई, ठीक ना, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, ठीक ना। तो जो आईएलओ था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन था, वो लीग ऑफ नेशन के समय ही बना था, ठीक। आईएलओ हैज 187 मेंबर, ठीक है ना, 187 मेंबर, 187 मेंबर है इसके, ठीक। जो आईएलओ का हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो आइए आईएलओ का जो आप लोगो देख लेते हैं, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन का ये लोगो है, तथा ये आईएलओ की ऑफिशियल वेबसाइट है। एंड देखिए इनका जो टैगलाइन दिया गया है, एडवांसिंग सोशल जस्टिस प्रमोटिंग डिसेंट वर्क, है ना, जो सोशल जस्टिस होता है तथा जो वर्किंग का जो बेस्ट इन्वायरमेंट होता है वो आईएलओ का काम होता है प्रोवाइड कराना, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है इसमें किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, इसमें केवल डेट रखने की जरूरत है, तो 24 अक्टूबर याद रखिएगा, है ना। अब देखिए आईएमएफ में शामिल होने वाले 190वां देश कौन है, ठीक। तो आईएमएफ में शामिल होने वाले जो 190वां देश है अंडोरा है, ठीक। तो इस क्वेश्चन में आपको मालूम होना चाहिए कि आईएमएफ क्या होता है। तो आईएमएफ का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ इज एन ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर इन द वॉशिंगटन डीसी। तो आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन डीसी में है। अभी आपने देखा आईएलओ का हेडक्वार्टर कहाँ था, तो आईएलओ का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड जेनेवा में था, ठीक है ना। और जो आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, कंसिस्टिंग ऑफ 190 कंट्रीज वर्किंग टू फोस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन, सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फैसिलिटीज इंटरनेशनल ट्रेड, प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिड्यूस पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है ना। यानी कि इसमें जो मेंबर नेशन है 190 देश हैं, ठीक, तथा जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो काम होता है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना देश में, ठीक है ना, सभी देशों को। जैसे मान लीजिए कि कुछ देश हैं जिनमें से, अमेरिका को ही ले लीजिए, अमेरिका में जब भी रिसेशन आता है तो उस रिसेशन का इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में पड़ता है, ठीक है ना। या कोई भी देश ले लीजिए जो जो मतलब कि बैंकरप्ट हो गया, तो उसकी मदद करना, तथा देशों के बीच जो इकोनॉमिक लेन देन है उस इकोनॉमिक लेन देन को ये स्मूथ कराने का काम करता है, ठीक। अब देखिए जो आईएमएफ का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो दिसंबर 1945 में हुआ था। अब अंडोरा का है, तो अंडोरा देख लेते हैं, ये हमारा वर्ल्ड का मैप है, ठीक। अब देखिए ये आपको मालूम होगा, ये जो कंट्री है ये है फ्रांस, दिस इज स्पेन। तो अंडोरा फ्रांस और स्पेन के बाउंड्री पे है। और ये अंडोरा का मैप देखते हैं, देखिए ये हमारा रहा फ्रांस रहा, ये रहा स्पेन रहा। तो ये कहीं जो ग्रीन सर्किल है, ग्रीन सर्किल में अंडोरा दिख रहा है, देखिए ये अंडोरा है, ये ही रहा, ठीक। एक तरफ फ्रांस है, दूसरी तरफ स्पेन है, दिस इज लैंड लॉक्ड, ओके। अंडोरा लावेला इसकी राजधानी है अंडोरा की, ये ध्यान रखिएगा, है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, भारत में किस रेल जोन ने बैग ऑन व्हील सेवा की शुरुआत की। तो याद रखिएगा उत्तर रेलवे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1960 में हुई, ये दिसंबर याद रखिएगा। कभी कभी आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा दिसंबर, जुलाई 1960, दिसंबर 1906, तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। और इसका और एक्सप्लेनेशन मैं आपको जब हिस्ट्री का सीरीज चलेगा तो आपको हिस्ट्री में बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, किस तिथि को सूर्य पृथ्वी के, सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है। तो 4 जुलाई को, 4 जुलाई को, आइए देख लेते हैं। देखिए ये हमारा सन है, ये अर्थ का पाथ है जो सन के अराउंड है, ठीक। देखिए 3 जुलाई को हमारा जो अर्थ है सन से इतनी दूरी पे, ठीक, 4 जुलाई को ये और दूरी बना लेता है, और जस्ट इसके 3 जनवरी को आपका सन
सन क्या है, सन और अर्थ में दूरी कम है, ठीक है ना। यानी कि 3 जुलाई को और 3 जनवरी को पृथ्वी एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है ना। ये सन है, सन के अराउंड यदि इलिप्टिकल पाथ को देखा जाए तो इस पाथ पे ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तथा 21 जून तथा 21 दिसंबर को एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तथा 21 मार्च तथा 34 सितंबर को एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ये आपको ध्यान रखिएगा, 4 जुलाई, 4th जुलाई ये डेट नहीं है, ये 4th जुलाई है, 4th जुलाई। इसी के साथ धन्यवाद।